अपने पैसे बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, ये विदेशी चकाचौंध में ना पड़े कि ये विदेशी है और ये बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। तो कोई एनएक्स ऑडियो का कोई बाप भी लगा लीजिए, तब भी कुछ होने वाला है उसमें। दोस्तों, आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो एम्पलीफायर दिखा रहा हूँ, तो उस एम्पलीफायर को आपको ध्यान से देखना है, इसके बारे में पूरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। ये देख लीजिए, ये है हमारा एनएक्स ऑडियो का MT-1201। तो MT-1201 जो हमारा एम्पलीफायर है, ये आप यदि डीजे के लिए सोच रहे हैं तो आप कभी भी भूल के इस एम्पलीफायर को मत ले लेना, नहीं तो इसको आप चला नहीं पाएंगे और इसको सुधरवाते ही सुधरवाते आपकी सारी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो इस एम्पलीफायर को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं किसी कंपनी का कोई प्रचारक नहीं हूँ, ना मैं किसी का प्रचारक। जो चीज़ अच्छी है जो अच्छी है, जिसका रिजल्ट ख़राब है उसके बारे में मैं बिल्कुल चैनल पर बेधड़क बोलता हूँ। मुझे इस चीज़ का कोई भी डर नहीं है कि कोई भी मेरा जो इतनी बड़ी कंपनी है तो मेरे चैनल को कोई हर्ट कर सकती है। तो यदि हर्ट कर देगी तो कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो किसी धोखे में ना पड़े। मैं किसी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूं जिससे हमारे सब्सक्राइबर को कोई नुकसान हो। तो इसलिए आपको ध्यान से इस चीज़ का देखना है कि ये एम्पलीफायर आपको कभी नहीं लेना है। क्योंकि क्यों नहीं लेना है, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि ये एम्पलीफायर थोड़ा सा भी हमारे जो वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है ये बिल्कुल भी नहीं झेल पाता है। और हमारे इंडिया में जो होता है फ्लक्चुएशन की समस्या, हमेशा सभी जगह यानी पूरे इंडिया में फ्लक्चुएशन की समस्या होती है, वो ये फ्लक्चुएशन नहीं झेल पाता। यदि आप डीजे पर इसको यूज कर रहे हो, यदि कभी धोखे से कभी हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि हम सारी सुरक्षा कभी कभी नहीं रहता है ध्यान, तो यदि इसका स्विच ऑन हो गए हो और यदि हम जनरेटर स्टार्ट कर देते हो तो समझ लीजिए ये मशीन 100% उड़ेगी, कोई नहीं बचा पाएगा इसको। तो इसका स्विच आपको ऑफ रखना है हमेशा। तो ये सारी इतनी सारी इसमें सावधानियां हैं, और जो हमारे इंडिया के बने हुए एम्पलीफायर हैं उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कभी नहीं होती हैं। आप चलाते रहिए उल्टा सीधा, रफ एंड टफ कैसे भी यूज करती रहे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको महंगी मशीनों के चक्कर में, ज़्यादा विदेशी ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये जो जितने भी विदेशी ब्रांड हैं हमारे इंडिया में, सभी फेल हैं और हमारे इंडिया के हिसाब से बिल्कुल भी ये वर्क नहीं करते हैं और लोगों को परेशानी हो। जब इसको सुधरवाने जाएंगे तो इसमें बहुत सारा रुपया लगता है, इसका सामान भी नहीं मिलता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी सारी कहानी। यह एम्पलीफायर एक भाई ने 3 महीने पहले खरीदा था, और 3 महीने पहले करने 2 प्रोग्राम भी इससे नहीं कर पाया और इसका एक चैनल पूरा का पूरा उड़ गया था। तब उन्होंने कंपनी बात किया तो कंपनी वालों ने कहा अपने यहाँ डीलर से ठीक है इसको करा लीजिए। तो जहाँ से भाई ने ख़रीदा था, तो ये हमारे यहाँ झांसी से भाई ने जो एम्पलीफायर ख़रीदा था, जो आहूजा के ऑथराइज डीलर हैं उनसे ख़रीदा था मानिक चौक पर। तो उनसे ख़रीदा और उन्होंने इसको मना कर दिया कि इसकी कोई वारंटी नहीं होती है, आप अपने यहाँ लोकल में ठीक करा लीजिए, और मैंने आपको वारंटी लिख के भी नहीं दिया था। तो उन्होंने देखा ही नहीं उस पर, वारंटी भी उन्होंने लिख के नहीं दिया इस पर, और केवल ट्रांसफार्मर की वारंटी उस पर लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा केवल ट्रांसफार्मर की वारंटी है और इसका एक चैनल उड़ गया। तो उन्होंने कहा ये आपको ठीक अपने यहाँ कराना पड़ेगा। तो एक चीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी एम्पलीफायर खरीदने जाते हैं तो आप उसके ऑथोराइज डीलर से ख़रीदें। ऑथोराइज डीलर से आप खरीदेंगे तो आपको वारंटी इसकी फुल मिलेगी। और जो हमारे इंडिया के बने हुए एम्पलीफायर आते हैं, वो जो एम्पलीफायर आते हैं वो बहुत ही, और जिन पर 2-3 साल की फुल वारंटी मिलती है कि यदि आपका कुछ भी ख़राब हो जाएगा तो वो आपको चेंज करके देंगे। तो आप विदेशी कंपनियों के चक्कर में पड़ के अपना रुपया बर्बाद कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये अलग से कोई चमत्कार करने वाली मशीन है। तो कोई चमत्कार कहीं कोई मशीन नहीं करती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और ना किसी के साथ ऐसा चमत्कार हुआ हुआ, केवल हम आज ये खरीदा, कल हमने वो बेचा, वो खरीदा, ये वो अच्छी है ये बुरी है, इसी की तलाश में हम इधर उधर करते रहते हैं। आपके पास जो भी है वही चलाइए, आप इंडियन ब्रांड ही चलाइए। इंडियन ब्रांड हमारे इंडिया के हिसाब से होते हैं और उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस चक्कर में आप बिल्कुल भी नहीं पड़ना कि ये हमारे लिए अलग से कुछ करके देगी, तो कोई कुछ करके नहीं देता है। सिर्फ 18-20 का अंतर होता है, यानी थोड़ा बहुत अंतर होता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो हमारी सेटिंग होती है, जो हमारे चलाने का तरीका होता है, वही मेन होता है। और यदि हम अच्छे से सेटिंग करेंगे, अच्छे से चलाएंगे, तो आपका कोई भी एम्पलीफायर अच्छे से वर्क करता रहेगा। तो इसलिए अपने पैसे बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, ये विदेशी चकाचौंध में ना पड़े कि ये विदेशी है और ये बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। तो कोई चमत्कार नहीं कहता, जो भाई चला रहे हैं उसको वो सभी जानते हैं कि सिर्फ सेटिंग मेन होती है। अच्छे से आप सेटिंग करेंगे तो आपके
लोकल से लोकल एम्पलीफायर भी अच्छे वर्क करेंगे, और यदि आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी एनएक्स ऑडियो का कोई बाप भी लगा लीजिए, तब भी कुछ होने वाला उसमें नहीं है। यदि आप सेटिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।